बीसीए सेकेंड ईयर का यूनिट फोर डेफिनेट इंटीग्रल। इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमने क्या लिया, एक कंटिन्यूस फंक्शन लिया है इन द इंटरवल ए कॉमा बी में। एंड कैपिटल एफ ऑफ एक्स बी इट्स एन इनडेफिनिट इंटीग्रल। और हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स क्या है, उसका इनडेफिनिट इंटीग्रल है। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। नाउ अब हमें गिवन इंटरवल है ए कॉमा बी, तो यहाँ पे देन द डिफरेंस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, कैपिटल है ना, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब जो हमने इंटरवल लेकर चला था उसका जो डिफरेंस होगा इस डेफिनेट इंटरवल में उसको क्या बोलेंगे, हम डेफिनेट इंटीग्रल बोलेंगे। ये इनडेफिनिट इंटीग्रल का है। तो हमने क्या किया, इंटरवल लगा दिया, लोअर लिमिट ये जो नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, लोअर लिमिट, और ऊपर रहता है वो अपर लिमिट। तो हम इसका जब डिफरेंस निकालते हैं तो कोई फिक्स्ड वैल्यू आती है, जो फिक्स्ड वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू फ्रॉम ए टू बी वेरी करता है, और इसको डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसको हम कैसे करते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, इसे ये हमारा पार्ट है इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए। और यहाँ पे जो स्मॉल ए है वो हमारा लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट, और जो बी है वो हमारा अपर लिमिट। तो हम इसका सॉल्व करके निकालते हैं वैल्यू, उसके बाद हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट करते हैं, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो निकालते हैं वो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल होता है। तो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल में एक प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू आती है उस प्रॉपर लिमिट के अंदर। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम ज़ीरो टू पाई बाई फोर। इसकी वैल्यू निकाली और हमें लिमिट दी गई है, लिमिट हमारी लोअर लिमिट ज़ीरो है और अपर लिमिट हमारी पाई बाई फोर है। जो नीचे पे रहता है वो हमारा लोअर लिमिट होता है और जो ऊपर पे होता है वो हमारा अपर लिमिट होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्यूशन में लिखते हैं ज़ीरो टू पाई बाई फोर, फंक्शन हमारा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पे एक्स है इक्वल टू। अब हम यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं, सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू इक्वल टू होती है सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन की, और यहाँ पे डी एक्स एज इट इज रहेगा, सिर्फ हमने टेन स्क्वायर की वैल्यू पुट अप की है। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, तो यहाँ पे ज़ीरो से पाई बाई फोर सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस ज़ीरो टू पाई बाई फोर वन डी एक्स, यहाँ पर भी डी एक्स है। यहाँ पर हम सिक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये होता है टेन एक्स, और हमारे पास लिमिट्स लग जाएंगे इंटीग्रेशन के बाद, यहाँ पे ज़ीरो पाई बाई फोर माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, एक्स एज इट इज़ ऐसा वन का, और ये लिमिट्स है हमारी ज़ीरो से पाई बाई फोर। अब हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रल ऑफ फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। मतलब फंक्शन जो रहेगा उसके साथ पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे अपर लिमिट हमारा पाई बाई फोर है और लोअर लिमिट ज़ीरो है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं टेन ऑफ एक्स की जगह एक्स की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि लिमिट ज़ीरो से पाई बाई फोर जा रही है, तो अपर लिमिट हमारा क्या है यहाँ पे पाई बाई फोर माइनस टेन ऑफ लोअर लिमिट दैट इज़ ज़ीरो। ये एक ब्रैकेट हुआ, एक ओपन हुआ, और यहाँ पे x की जगह पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पाई बाई फोर माइनस लोअर लिमिट दैट इज़ ज़ीरो, दैट इज़ टेन पाई बाई फोर माइनस टेन ज़ीरो माइनस पाई बाई फोर प्लस ज़ीरो, ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पे टेन पाई बाई फोर की वैल्यू हमारी वन होती है और टेन ज़ीरो की वैल्यू तो ज़ीरो ही होती है, माइनस पाई बाई फोर प्लस ज़ीरो, तो हमारे पास वैल्यू आई वन माइनस पाई बाई फोर, ये इसका आंसर है। इसकी वैल्यू निकालनी थी हमें ज़ीरो से पाई बाई फोर के लिए टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स की, तो इसकी वैल्यू होगी वन माइनस पाई बाई फोर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स फ्रॉम ज़ीरो टू पाई बाई टू।
मतलब साइन एक्स क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम द इंटरवल 0 to π/2। तो यहाँ पे हम साइन क्यूब एक्स की डायरेक्टली इंटीग्रेशन करने की कोशिश करें तो हम कर नहीं पाएंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि साइन 3x की वैल्यू क्या होती है, 3 sin x - 4 sin cube x। तो यहाँ पर जो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर से 4 sin cube x विल बी इक्वल टू 3 sin x - sin 3x। इसको सिर्फ शिफ्ट किया हमने, फिर यहाँ से 4 भी इस साइड पे लेकर जाएंगे, तो साइन क्यूब एक्स विल बी इक्वल टू 1/4 3 sin x - sin 3x। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 0 to π/2 sin cube x dx विल बी इक्वल टू, लिमिट तो सेम ही रहेगी 0 to π/2, साइन क्यूब एक्स की जगह क्या हो जाएगा 1/4 3 sin x - sin 3x dx। बस हमने साइन क्यूब एक्स की जगह ये वैल्यू पुट अप की है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पर से कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं, 1/4 कांस्टेंट है, 0 to π/2 3 sin x - sin 3x। तो हम अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, 1/4 तो एज इट इज़ रहेगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 3 sin x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, -cos x। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रही हूँ, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा -cos x, और 3 उसके सामने है तो ये हो जाएगा -3 cos x। माइनस साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है वापस से, सॉरी -cos x होता है, तो साइन एक्स का हो जाएगा -cos x। यहाँ पे डिग्री क्या है, 3x है, अपॉन यहाँ पे 3 है तो ये 1। क्या होता है, हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे एक्स के साथ कोई वैल्यू जो रहती है वो अपॉन में आ जाती है इंटीग्रेशन के बाद। तो यहाँ पे सेम हुआ है, साइन एक्स का हमें इंटीग्रेशन पता है -cos x होता है, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos 3x/3। तो सिर्फ हमने वैल्यू पुट अप किए, और हमें इंटरवल पता है क्या है, 0 से π/2। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1/4 -3 cos x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 को 1/3 कर लो, cos 3x, और ये है 0 से π/2। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट अप करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब यहाँ जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस जहाँ भी x है वहाँ पे लोअर लिमिट रखेंगे, दैट इज़ 1/4 तो कॉमन ही रहेगा आउटसाइड में, अंदर में क्या हो जाएगा हमारा, -3 cos x की जगह अपर लिमिट क्या है π/2, प्लस 1/3 cos 3 × x की जगह π/2। ये प्रॉपर माइनस किससे होगा, -3 cos x की जगह 0 प्लस 1/3 cos 3 × x की जगह 0। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 1/4 तो कॉमन है, कॉमन मोस्ट, तो यहाँ पर से ये 3 cos π/2 प्लस 1/3 cos 3π/2 माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 cos 0 प्लस 1/3 cos 3 × 0, दैट इज़ 0। तो यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा, क्योंकि हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे -1/3 cos 0। तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, 1/4 तो कॉमन है। अब -3 cos π/2 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 0 होती है तो × 0, प्लस 1/3 cos 3π/2 की भी वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 होती है तो × 0, प्लस 3 × cos 0 की वैल्यू होती है 1, -1/3 cos 0 की वैल्यू होती है 1, सो 1/4 ये हो जाएगा 0 + 0 + 3 - 1/3, तो अंदर बचा 3 - 1/3। हम एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
9 माइनस 1 अपॉन 3 विच विल बी इक्वल टू 1 बाई 4 इंटू 8 अपॉन 3 टू 2 बाई 3. सो द वैल्यू फॉर 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स विल बी 2 बाई 3. ये हमने कैसे, बाय डेफिनेट इंटीग्रल. क्या लगाया हमने, लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमें मिला, तो हमने वो लास्ट में वैल्यू पुटअप की. वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू था 2 बाई 3 वो आया. नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रल. अब सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू रहती है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं टू मेक इट सिंपलर टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सपोज हमें कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है और वो बहुत लेंदी मेथड है हमें सॉल्व करने के लिए, बट हम उसमें कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करते हैं जिससे वो हमें ईजी पड़ जाए, तो हम सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं. और साथ में ही जो इंटरवल हमें दिया रहता है, जो लिमिट्स दिए रहते हैं, वो भी चेंज होती है. अगर हम वैल्यू चेंज करेंगे तो साथ में लिमिट्स भी होती है, वो भी चेंज होती है. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल है, कंसीडर आई इक्वल्स टू ज़ीरो फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ साई ऑफ एक्स इंटू साई डैश ऑफ एक्स डी एक्स. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं साई ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी. तो अब हम इसे फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साई डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी का डी टी. हम इसी को ही डिफरेंशिएट किए हैं तो इसका हो जाएगा फाई डैश डैश ऑफ एक्स डी एक्स और यहाँ पे डी टी का हो जाएगा डी टी. अब क्या करेंगे, लिमिट्स भी चेंज होगी. तो सपोज एक्स की वैल्यू जब ए है तो टी की वैल्यू कितनी होगी, देन साई ऑफ ए होगा, क्योंकि टी क्या लिए हम साई ऑफ एक्स को टी लेकर चले. अगर एक्स की वैल्यू ए होगी तो टी की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, तो साई ऑफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा. नेक्स्ट जब एक्स की वैल्यू बी होगी तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साई ऑफ बी, क्योंकि टी का वैल्यू हमारे पास क्या है, साई ऑफ एक्स है. तो एक्स के करस्पॉन्डिंग जब एक्स ए होगा तब उसके करस्पॉन्डिंग चेंज होगा और बी होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग चेंज होगा. तो जब हम ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके बाद ये इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, आई विल बी इक्वल टू लिमिट कहाँ से, ए की जगह क्या हो गया साई ऑफ ए टू साई ऑफ बी. अब फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एफ एफ ऑफ टी टी टी. यहाँ पे एफ ऑफ टी, टी क्या था, साई ऑफ एक्स था, तो एफ इंटू साई ऑफ एक्स था, इसके जगह हमारा टी आ गया, ये एफ ऑफ टी. अब डी टी, डी टी हम यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करे थे तो ये वैल्यू आई थी, तो डी टी की वैल्यू क्या निकल के आई थी, साई डैश ऑफ एक्स डी एक्स, साई डैश ऑफ एक्स डी एक्स. इसके जगह हमने क्या कर दिया, डी टी रख दिया, सब्स्टिट्यूट बस किया. तो यही है हमारा सब्स्टिट्यूशन. ये इक्वेशन था उसको और सिंप्लीफाई करके हमने ऐसा बना दिया. अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे. तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन. हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू रहती है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं उस वैल्यू से, साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशन के साथ हम उसका लिमिट भी चेंज करते हैं. अगर हम लिमिट चेंज नहीं करेंगे तो आंसर भी गलत आएगा. यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का. एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस लॉग ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स फ्रॉम इंटरवल 1 टू 3 डी एक्स. तो क्या करना है हमको, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करें. तो सपोज हम क्या कर लेते हैं, लेट log x इक्वल्स टू टी ले लेते हैं, ठीक है. देन अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे log x इक्वल्स टू टी को, तो ये क्या हो जाएगा, log x का हमें इंटीग्रेशन पता है, सॉरी डिफरेंशिएशन पता है, 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा साथ में dx और d का dt. अब यहाँ पर अगेन अब हमने t सब्स्टिट्यूट किया है log x को, साथ में ही हमको इंटरवल भी चेंज करना होगा. तो अगेन वेन x इक्वल्स टू 1, जब हमारी वैल्यू x इक्वल्स टू 1 होगी तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t क्या है, log x है, x 1 होगा तो t हो जाएगा हमारा log 1, और t log 1 t इक्वल टू log 1 होगा, और log 1 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 0. नेक्स्ट अगर when x विल बी इक्वल टू 3, x की 3 के लिए वैल्यू निकालेंगे तो t क्या हो जाएगा हमारा, log 3. तो हमारा जो ये इंटीग्रल था वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 से 3 कॉस ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू,
लिमिट भी चेंज होगी, लोअर लिमिट 1 की जगह 0 आ जाएगी और अपर लिमिट हमारी हो जाएगी log 3। और cos log x को हमने क्या कर दिया है, t डिनोट कर दिया है, तो यहाँ पे cos ऑफ log t क्या हो जाएगा, cos t dt, dt यहाँ पे dt की वैल्यू क्या थी, 1 upon x dx, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दिए ये x की वैल्यू और साथ में dx, यहाँ पे dt की वैल्यू हमने पुट अप कर दी। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t। अब इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन हो गया हमारा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे, दैट इज 0 से log 3 तक के। इसका सॉल्यूशन फिर हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से निकालते हैं, तो ये हो जाएगा साइन log ऑफ 3 माइनस साइन 0 विच विल बी इक्वल टू साइन log ऑफ 3, साइन ऑफ log 3, साइन 0 0 होता है, तो सपोज यहाँ पे 0 लिखते हैं, तो यहाँ पे साइन ऑफ log 3 विल बी द आंसर। तो यहाँ पे साइन 0 क्या होता है, 0 होता है हमारा, और साइन ऑफ log 3, तो कंप्लीट हमारा जो प्रॉपर आंसर है इस इंटीग्रल का वो है साइन ऑफ log 3। एक और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 टू पाई बाई 3 cos x अपॉन 3 प्लस 4 साइन x dx। अब इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, लेट 3 प्लस 4 साइन x इक्वल्स टू टी, देन अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 3 का डिफ्रेंशिएशन विल बी 0, 4 साइन का क्या होगा, cos होगा, cos x 4 एज इट इज़, और यहाँ पे dx विल बी इक्वल टू t का dt, तो यहाँ से हमने निकाल लिया 4 cos x dx इक्वल्स टू dt। नेक्स्ट cos x dx विल बी इक्वल टू dt अपॉन 4 फर्दर, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास cos x dx की वैल्यू दी हुई है, सॉरी ये दिया हुआ है, तो हम इसे डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं dt अपॉन 4। अब साथ में लिमिट भी चेंज होगा अगेन, व्हेन x विल बी इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 होगा तो t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 4 sin x, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 साइन 0, दैट विल बी इक्वल 3, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 4 इंटू 0 विल बी 0 इक्वल टू 3। व्हेन नेक्स्ट व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाई 3, देन t विल बी इक्वल टू 3 प्लस 4 साइन ऑफ पाई बाई 3, क्योंकि x की वैल्यू पाई बाई 3, तो यहाँ पर से हम 3 प्लस 4 साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या ली होती है, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2, तो यहाँ पर से 3 प्लस हो जाएगा 2 रूट 3, तो जब x पाई बाई 3 होगी तो t की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 2 रूट 3। अब क्या करेंगे हम, इस पे सारा सब्सटीट्यूट कर देंगे, देयरफॉर ये जो हमारा 0 टू पाई बाई 3 cos x अपॉन 3 प्लस 4 साइन x डी एक्स विल बी इक्वल टू, लिमिट्स चेंज होंगी, 0 के टाइम क्या था 3 हो गया x t की वैल्यू, और पाई बाई 3 के टाइम 3 प्लस 2 रूट 3। नेक्स्ट हमने 3 प्लस 4 साइन x इक्वल्स टू क्या वैल्यू ली थी, t की ली थी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन t, 3 प्लस 4 साइन x की जगह t आ जाएगा, और cos x dx, cos x dx की हमने वैल्यू निकाल के रखी थी क्या थी, dt अपॉन 4, तो यहाँ पर से 4 1 बाई 4 कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई t dt फ्रॉम इंटरवल 3 टू 3 प्लस 2 रूट 3। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई t dt क्या होता है, log ऑफ t, और हमारी लिमिट कहाँ से जा रही है, 3 से 3 प्लस 2 रूट 3, और कांस्टेंट 1 बाई 4 बाहर, 1 बाई t, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई t क्या होता है, log t होता है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे log t लिखा, फिर वहाँ से
लिमिट्स लगा दी ब्रैकेट के अंदर, 3 से 3 प्लस 2 बाय 2 रूट 3 की तक की लिमिट जा रही है, और ये जो 1 बाई 4 जो कांस्टेंट था वो हमने लिखा, तो ये इक्वल होगा 1 बाई 4, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लॉग टी के जगह, सबसे पहले अपर लिमिट क्या है 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस लोअर लिमिट लॉग टी के जगह 3 आएगा, तो ये हमारा जो होगा वो फाइनल आंसर होगा, सिर्फ हमने सब्सटीट्यूट करना है। तो हम यहाँ फाइंड कर रहे थे वैल्यू ऑफ कॉस एक्स अपॉन 3 प्लस 4 साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 3 इंटरवल, यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करके आंसर लाया 1 बाई 4 लॉग ऑफ 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस लॉग 3। सो ये था हमारा दो एग्जाम्पल्स था सब्सटीट्यूशन मैथड के। सब्सटीट्यूशन मैथड में कुछ नहीं, बस जो इक्वेशन क्वेश्चन रहता है उसमें हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यू टू सॉल्व इट इन अ शॉर्ट मैनर। तो हमने यहाँ सीधे सब्सटीट्यूशन का मेथड लगा के ये शॉर्टली ये मेथड को सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को। सो दिस वाज ऑल अबाउट सब्सटीट्यूशन मेथड।